1928 भगत सिंह की जिंदगी में एक अहम साल था। वो एचआरए के लीडर के रूप में उभरे। आज़ाद ने मिलिट्री विंग हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की कमान संभाली और दोनों ने साथ संगठन विस्तार का काम शुरू किया। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, जहां आज क्रिकेट मैच होते हैं, एचआरए की एक मीटिंग हुई। भगत सिंह ने एचआरए के नाम में सोशलिस्ट जोड़कर उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करने की बात रखी। उनका मानना था कि देश की आज़ादी की लड़ाई ऊपरी 10% लोगों की लड़ाई है, बड़े सेठों और साहूकारों की। इस रास्ते पे चलकर देश की 90% जनता को, मजदूरों किसानों को, एक्सप्लॉयटेशन और लूट से आज़ादी नहीं मिलेगी। इसी मीटिंग में नॉर्थ इंडिया के कई क्रांतिकारी दल एचएसआरए की छतरी तले आए और एक संगठन बने। पार्टी की फ्यूचर एक्टिविटीज़ की तैयारी में पुलिस से छुपने, अपना हुलिया बदलने के लिए भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी काटने का फैसला लिया। फिर 30 अक्टूबर 1928 को कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के जीवन का रुख ही बदल दिया। डिटेल्स में जाने से पहले उस वक्त के माहौल को समझना ज़रूरी है। 30 अक्टूबर को लंदन से आया साइमन कमीशन बम्बई होता हुआ लाहौर पहुंचा। उनका काम था ये आकलन करना कि क्या भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं, माने खुद सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। मतलब वो अंग्रेज़ जो 150 साल से जबरन देश पे कब्जा किए बैठे हैं, अब हमें बताएंगे कि हम खुद को, अपने देश को संभालने के काबिल हैं या नहीं। एक्चुअली 1919 में अंग्रेज इंडिया काउंसिल एक्ट नाम का कानून लेकर आए थे, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें यह प्रोविजन था कि हर 10 साल में हुकूमत आकलन करेगी कि इंडिया सेल्फ रूल के लिए तैयार हुआ कि नहीं। आज हंसी आती है, पर सोचने जैसा है कि कैसे एक पूरे देश के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर किया जाता है। गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेज हमारी स्वराज की मांग को आज नहीं तो कल मान लेंगे, पर जब साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ, गांधी जी समझ गए कि यह स्वराज की मांग को टालने का एक जुमला था। कांग्रेस ने साइमन कमीशन को हर लेवल पर बॉयकॉट करने का फैसला लिया। क्रांतिकारियों की विचारधारा का गांधी जी से कोई मेल नहीं था, पर इस बात से कौन इनकार कर सकता था कि वो देश के करोड़ों लोगों के नेता थे। एचएसआरए ने गांधी जी की साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने की अपील का पूरा समर्थन किया। उनका मानना था कि आम लोगों को जगाने, उन्हें आंदोलित करने वाला कोई भी कदम सही कदम है। लोगों को एहसास तो हो कि वो कितने लाचार और गुलाम हैं। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन के मेंबर लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरे ही थे, तब भारी भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। भगत सिंह ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद। भीड़ ने नारा दिया, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, मुड़ जाओ साइमन, जहां है देश तुम्हारा। कांग्रेस की ओर से लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। लालाजी पंजाब के शेर कहलाते थे, पंजाब केसरी। उनका पूरा जीवन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी जंग की मिसाल था। इसके चलते कुछ साल उन्हें देश निकाला भी झेलना पड़ा। लालाजी का क्रांतिकारियों के बारे में मानना था कि वो भटके हुए गैर जिम्मेदार नौजवान हैं। भगत सिंह को तो उन्होंने रशियन एजेंट तक कह दिया था। इसके बावजूद क्रांतिकारी उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो 30 अक्टूबर की उस सुबह जब भीड़ ने साइमन कमीशन को रास्ता नहीं दिया, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर स्कॉट ने खुद लालाजी पर हमला बोल दिया और मार मार कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। लालाजी के साथ हुई इस घटना से देश में पहले सदमे और फिर आक्रोश का भाव उठा। भगत सिंह के तो होश उड़ गए। कहां वो क्रांति के सपने देख रहे थे और यहां एक आम पुलिस वाला लालाजी के कद के नेता को कई 100 लोगों के बीच मार कर चला जाता है और कोई सुनवाई नहीं है। इस दुखद घटना से लेकिन एक भली बात यह हुई कि इसने देश को मूक दर्शक से एक्टिव पार्टिसिपेंट बना दिया।